वेलकम टू ए बी सी कैंपस आर सब्जेक्ट इज कैफ थ्री बिजनेस लॉ चैप्टर नंबर थर्टीन मैनेजमेंट एंड फिफ्थ वीडियो ऑन द टॉपिक ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर्स फ्रॉम स्टडी एंड आई एम येटर काशिफी सो टू पॉइंट टू जो हैडिंग है ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर ये सेक्शन टू जीरो फोर से ली गई हैं तो कंपनीज एक्ट जो है कुछ ड्यूटीज मैंशन करता है डायरेक्टर्स की और उनको हम डिस्कस करेंगे डायरेक्टर ऑफ कंपनी शेल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी यानी डायरेक्टर को जो आर्टिकल्स के अंदर पावर दी गई हैं उन्हीं पावर को यूज करें उन पावर से एक्सीड ना करें जो अथॉरिटी दी गई है उसके मुताबिक काम करे जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं वो काम ना करे सेकेंड अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी शेल एक्ट इन गुड फेथ गुड फेथ इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी इन ऑर्डर टू प्रोमोट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी तो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को प्रमोट करना है कंपनी के गोल्स को अचीव करना है किस लिए अचीव करना है फॉर द बेनिफिट ऑफ इट्स मेंबर्स एज अ होल के तमाम मेंबर्स के फायदे के लिए किसी एक स्पेसिफिक मेंबर के बेनिफिट के लिए नहीं किसी एक मेजर शेयर होल्डर के लिए नहीं तमाम मेंबर्स के लिए एंड इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी इट्स एम्प्लाइज शेयर होल्डर्स कम्युनिटी एंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट तो सबसे ज्यादा तो मेंबर्स को फोकस करके डायरेक्टर्स को काम करना होता है लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी का ओवरऑल बेनिफिट एम्प्लाइज का बेनिफिट कम्युनिटी का बेनिफिट प्रोटेक्शन ऑफ एन्वायरमेंट इन सब चीज़ों के लिए भी एक डायरेक्टर को गुड फेथ के अंदर अपनी ड्यूटीज और अपने काम को करना चाहिए थर्ड है अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी शेल डिस्चार्ज हिस्स ड्यूटीज विद ड्यू एंड रीजनेबल केयर स्किल एंड डिलीजेंस एंड शेल एक्सरसाइज इन जजमेंट अब ये बात एक बहुत इंपॉर्टेंट है यानी डायरेक्टर की ड्यूटी है कि वो नेग्लिजेंट ना हो वो केयरफुली अपने काम को करे प्रॉपर स्किल के साथ प्रॉपर तवज्जो के साथ और इंडिपेंडेंट जजमेंट एक्सरसाइज़ करे ये इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि एक डायरेक्टर बाद में ये क्लेम नहीं कह सकता कि मुझे तो जी फ़लाने शख्स ने कहा था तो मैंने फिर ये कर दिया फ़लाने शख्स ने ये कहा था तो मैंने ये कर दिया एक डायरेक्टर की ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी पर्सनल इंडिपेंडेंट जजमेंट यूज़ करे तो अगर वो अपनी इंडिपेंडेंट जजमेंट यूज़ नहीं करता किसी के कहे में आकर काम कर रहा है तो वो खुद इट्सल्फ वो एक ब्रीच है वो बजाय इसके कि उसको क्लेम कहें कि हाँ जी ये तो किसी और की बात मान रहा था तो इसका फॉल्ट नहीं है बल्कि ये एक डिफॉल्ट होगा उसकी तरफ से अगर वो अपनी सोच अपनी इंडिपेंडेंट जजमेंट के हिसाब से काम नहीं कर रहा तो ही मस्ट एक्ट यूजिंग एक्सरसाइजिंग हिज इंडिपेंडेंट जजमेंट नंबर फोर है अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी शेल नॉट इन्वॉल्व इन अ सिचुएशन इन विच ही मे हैव अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट दैट कन्फ्लिक्ट और पॉसिबली मे कन्फ्लिक्ट विद द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी यानी एक डायरेक्टर को ऐसी सिचुएशन अवॉइड करनी चाहिए जहाँ पे डायरेक्टर का बेनिफिट और कंपनी का बेनिफिट एक दूसरे के अगेंस्ट हों तो जहाँ पर भी कोई ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे डायरेक्टर और कंपनी के जो बेनिफिट्स हैं जो इंटरेस्ट हैं वो एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट में हैं एक दूसरे के अपोजिट हैं तो उसको अपने आप को ऐसी सिचुएशन में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करना चाहिए नेक्स्ट है अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी शेल नॉट अचीव और अटेम्प्ट टू अचीव एनी अनड्यू गेन और एडवांटेज इधर टू हिमसेल्फ और टू हिज रेलेटिव पार्टनर्स एसोसिएट तो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने रेलेटिव पार्टनर्स एसोसिएट के लिए भी कोई अनड्यू गेन और एडवांटेज नहीं लेना चाहिए अब देखें अनड्यू गेन और एडवांटेज भारत एक सब्जेक्टिव चीज़ है एक डायरेक्टर अपनी रीजनेबल सैलरी जो है वो लेता है कंपनी से तो दैट्स फाइन लेकिन अगर वो कोई ऐसे ही पैसे कंपनी से ले रहा है जो जिसके अगेंस्ट वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहा है या उसके रिलेटिव वो चीज प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं कर रहे तो वो फिर गलत होगा एंड इफ सच डायरेक्टर इज फाउंड गिल्टी ऑफ मेकिंग गेन ही शेल बी लाइबल टू पे एन अमाउंट इक्वल टू दैट गेन टू द कंपनी तो अगर पता चलता है कि जी एक डायरेक्टर ने तो अपनी पोजीशन को यूज करते हुए कंपनी से कोई अनड्यू गेन खुद लिया था या अपने किसी रिलेटिव पार्टनर या एसोसिएट को दिलवाया था तो जब इस ये साबित हो जाएगा तो जितना गेन होगा उतने पैसे उस डायरेक्टर को कंपनी को देने पड़ेंगे और जो फर्दर पेनल्टीज और दूसरी चीजें वो इसके अलावा होंगी नॉट असाइन हिज ऑफिस एंड एनी असाइनमेंट सो मेड शेल वॉइड तो एक डायरेक्टर जो है वो अपना ऑफिस असाइन नहीं कर सकता किसी को यानी अपनी जगह किसी और को नहीं कह सकता कि जी तुम मेरी जगह डिसीजन मेकिंग करते रहो तुम मेरी जगह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर वोट देते रहो तो वो ऐसा काम नहीं करेगा सो असाइनमेंट ऑफ ऑफिस जो है वो प्रोहिबिटेड है और अगर कोई डायरेक्टर ऐसी असाइनमेंट कर भी दे तो वो असाइनमेंट वॉइड कंसीडर होगी तो अगर एक शख्स के पास डायरेक्टरशिप है एक कंपनी की तो वो अपना फंक्शन असाइन नहीं कर सकता इसमें हम आगे जाकर एक रूल पढ़ेंगे कि असाइनमेंट ऑफ ऑफिस तो प्रोहिबिटेड है लेकिन अल्टरनेट डायरेक्टर एक सर्टन सिचुएशन में अलाउड होता है तो वो सिचुएशन भी हम डिस्कस कर रहे होंगे अब ये तो हमने कुछ ड्यूटीज़ पढ़ी और अब इन ड्यूटीज़ के बाद हम देखते हैं कि इन ड्यूटीज़ के अलावा एडिशनली भी एस सी पी मे प्रोवाइड फॉर द एक्सटेंट ऑफ ड्यूटीज़ एंड द रोल ऑफ डायरेक्टर्स एज मे बी स्पेसिफाइड तो एस सी पी जो है वो डायरेक्टर्स की मज़ीद ड्यूटीज़ किस हद तक होंगी उनका रोल क्या होगा एक कंपनी के अंदर उसको डिटेल में डिफ़ाइन कर सकता है अच्छा अब क्या अगर एक डायरेक्टर से ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो जाए तो क्या उसको लाजमी तौर पर पे पैनलाइज़ किया जाएगा या कोई सिचुएशन है बचने की तो इसमें एक लॉ रूल देता है जिसे कहते हैं रेटिफिकेशन सो एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी डिफॉल्ट और नेग्लिजेंस बाय डायरेक्टर इन कंट्रावेंशन ऑफ द आर्टिकल ऑफ द कंपनी और एनी ऑफ इट्स पॉलिसी और डिसीजन ऑफ द बोर्ड मे बी रेटिफाइड मे बी बाय द कंपनी थ्रू अ स्पेशल रेजोल्यूशन स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होती है स्पेशल रेजोल्यूशन होती है कि एटलीस्ट थ्री फोर्थ मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स अगर एक रेजोल्यूशन पास करे कि हाँ जी डायरेक्टर ने ये ड्यूटी ब्रीच की है लेकिन हम उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं लेना चाहते उसने जो अपन, अपनी पावर एक्सीड किया था हम उसको बैक डेट में ऑथराइज़ कर रहे हैं यानी काम होने के बाद रेटिफाई करने का मतलब क्या होता है रेटिफिकेशन का लफ्ज़ पहले भी कई बार हमने लॉ में पढ़ा इट मीन्स अप्रूवल आफ्टर एन एक्ट हैज़ बिन डन तो डायरेक्टर ने पहले अपनी अथॉरिटी से एक्सीड कर लिया अब वैसे तो उसकी तरफ से ड्यूटी की ब्रीच हो गई क्योंकि डायरेक्टर को आर्टिकल्स के मुताबिक काम करना चाहिए लेकिन कंपनी ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दी और उन्होंने कहा कि जी डायरेक्टर का जो एक्ट है हम उसे रेटिफाई कर रहे हैं हम उसे अप्रूव कर रहे हैं एक्ट होने के बाद लेकिन कमीशन जो है एस सी सी पी यहां पर एक एडिशनल ये पॉइंट है द कमीशन में इंपोज एनी रिस्ट्रिक्शन एज मे बी स्पेसिफाइड यानी एस चाहे तो कुछ रिस्ट्रिक्शन स्पेसिफाई कर सकता है कि सर्टन सिचुएशन में कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू भी रेटिफाई नहीं कर सकेगी अगर एक डायरेक्टर ने ड्यूटी डिफॉल्ट और नेग्लिजेंस किया एस को लगता है कि कुछ सर्टन मामला में जो डायरेक्टर हैं वो जो है अनड्यू एडवांटेज भी ले रहे हैं कंपनी का और बाद में जो है ना अपनी शेयर होल्डिंग को यूज़ करते हुए वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा कर रेटिफाई करवा कर लेते हैं तो वो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकते हैं और फिर जो रेटिफिकेशन है वो पॉसिबल नहीं रहेगी अब रेटिफिकेशन जब पॉसिबल होगी तो उसका सिंपली ये मतलब है कि ब्रीच ऑफ ड्यूटी करने के बावजूद एक डायरेक्टर को ड्यूटी की ब्रीच में कंसिडर नहीं किया जाएगा कंप्लायंस विद द कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा अब कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है अच्छा कोड ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस जो है ये एक जो है रूल्स हैं रेगुलेशन हैं जो लिस्टेड कंपनीज़ पर भी अप्लाई होते हैं और कुछ और टाइप की कंपनीज़ पर भी अप्लाई होते हैं जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज हैं एंड सो ऑन सो ये एक जो स्टार्ट हुआ था इनका वो एक हुआ था कि जी एक रूल फॉर बेस्ट प्रैक्टिसेस के गवर्नेंस करने की एक कंपनी को अच्छे तरीके से चलाने की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं तो उनके उप, उनको पहले लाया गया और फिर उनको जो है ना रूल्स एंड रेगुलेशन में कन्वर्ट होते गए वक्त के साथ ये चेंज भी होते गए तो एक कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो होता है और ये लिस्टेड कंपनी के ऊपर मेनली एप्लीकेबल होता है उसके अलावा भी कुछ कंपनीज पर अप्लाई होता है तो द कमीशन में प्रोवाइड फॉर फ्रेमवर्क टू इंश्योर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा तरीके कार अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्रैक्टिस क्या है इसमें इवन इस हद तक भी है कि जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में Uh, कितने जेंडर जो है वो कैसे इक्वलिटी uh, होनी चाहिए उसके अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए एग्जेक्टिव और नॉन एग्जैक्टिव का बैलेंस होना चाहिए पावर का बैलेंस होना चाहिए डिफरेंट कमेटीज़ की कंपोजिशन क्या होनी चाहिए उनको फंक्शन अपने कैसे परफॉर्म करने चाहिए उन्हें इंटरनल कंट्रोल के अंदर किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए अल्टीमेट मकसद ये है कि एक कंपनी की जो गवर्नेंस है जो कंपनी की मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छे तरीके से चल सके टू गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस कंप्लायस एंड मैटर इंसीडेंटल एंड ऑगजलरी इंसीडेंटल का मतलब होता है रिलेटेड और ऑगजलरी का मतलब होता है जो किसी की चीज़ के साथ एडिशनली यूजफुल हो और कंपनीज और क्लास ऑफ कंपनीज इन अ मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड अब मैंने कुछ कंपनीज आपके लिए को बता दी जैसे लिस्टेड कंपनीज हैं और इसके अलावा भी कंपनीज और क्लास ऑफ कंपनीज को एस सी स्पेसिफाई कर सकता है कि जी वो ये कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का फ्रेमवर्क फॉलो करेंगे अब इसका इंपैक्ट क्या होता है इसका इंपैक्ट ये होता है कि इसका मतलब ये होगा कि डायरेक्टर्स की ड्यूटी बन जाएगी कि वो फिर काम करें टू एक्ट इन लाइन विद गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस तो एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी के ऊपर अगर ये अप्लाई नहीं होते तो दे कैन डू थिंग्स देयर ओन वे एक वो कंपनीज एक्ट तक फॉलो करेंगे लेकिन जैसे लिस्टेड कंपनीज हैं तो उनको Uh, उनके डायरेक्टर्स के लिए फिर एडिशनल रिक्वायरमेंट आ जाती है कि उन्हें गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस को भी फॉलो करना होता है और ये उनकी ड्यूटी होती है कि वो उसको फॉलो करते हैं लाइबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स अच्छा ऑफिसर्स के अंदर जो है वो कंपनी सेक्रेटरी सी चीफ एग्जेक्टिव ये सब आ जाते हैं तो एनी प्रोविजन वेदर कंटेन इन द आर्टिकल्स Of the company or in any contract with the company or otherwise. Pe bhi ho, for exempting any officer or auditor of the company or indemnifying him against any liability which by virtue of any law would otherwise attach to him in respect of any negligence, default, breach of duty, breach of trust of which he may be guilty. इन रिलेशन टू द कंपनी शेल बी अवॉइड एक्सेप्टिफाइड बिलू अब ये एक कम्प्लीकेटेड पैराग्राफ बन जाता है फॉर स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो आपने इसको ब्रेकअप करना है बेसिकली चार से पांच पॉइंट्स के अंदर पहली बात तो ये है कि जो प्रोविजन है वो आर्टिकल के अंदर हो सकती है वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हो सकती है या उसके अलावा किसी भी जगह पर हो सकती है अदरवाइज में होगा कि किसी भी पॉइंट पर हो सकती है तो पहला पॉइंट तो ये कि प्रोविजन होगी दूसरा पॉइंट है कि वो प्रोविजन किस बारे में होगी वो होगी किसी ऑफिसर या ऑडिटर को एग्जाम करने के बारे में या फिर उनको इंडेमनीफाई करने के बारे में इंडेमनीफाई क्या होता है कि जी अगर उनको लॉस होगा तो कंपनी उनको कंपनसेट करेगी अगेंस्ट एनी लाइबिलिटी जो उन्हें किसी लॉ के मुताबिक लगती है किस मकसद के लिए लगती है तो तीसरा पॉइंट है इसमें कि उन्हें वो लाइबिलिटी लगती है नेगलिजेंस की वजह से डिफॉल्ट की वजह से ब्रीच ऑफ ड्यूटी की वजह से या फिर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की वजह से और इम्पैक्ट क्या है कंसिक्वेंस क्या है जो मेन पॉइंट है कि ऐसी जो प्रोविजन होगी वो फिर वॉइड होगी लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन भी है ये फिफ्थ पॉइंट है तो देखें पहला पॉइंट ये हुआ कि आर्टिकल्स कॉन्ट्रैक्ट या अदरवाइज कोई भी प्रोविजन हो

इस शेयर होल्डर का नाम है मेजर शेयर होल्डर का दैट ही डिडेंट लाइक टू पे डिडेंट टू माइनॉरिटी शेयर होल्डर एंड एडवाइज यानी चीफ़ एग्जेक्टिव को ये एडवाइस किया कि नॉट टू पे फ्रॉम दिस ईयर जी हम हर साल डिविडेंड पे कर देते हैं नाइन्टी परसेंट कैश में और मुझे पसंद नहीं है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करना तो इस साल से पे नहीं करना अब आकिल ने जो चीफ एग्जेक्टिव है उसने इन्फॉर्म किया आदिल को कि एज़ पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट चीफ एक्जेक्टिव शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड टू टू ईयर्स एंड फाइन विच में एक्सटेंड टू फाइव मिलियन रुपीज़ ये आगे जाके डिविडेंड के चैप्टर में ये फाइन वगैरह हम पढ़ेंगे तो ये बड़ा सीरियस फाइन है दो साल की उसे कैद हो सकती है फाइव मिलियन का फाइन हो सकता है इफ़ द डिविडेंड इज़ नॉट पेड विद इन स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर डिविडेंड हैज़ बिन डिक्लेयर कि डिविडेंट डयर कर दिया जाए उसके बाद पे ना किया जाए तो ये तो बड़ी सीरियस चीफ एग्जैक्टिव के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी तो वो जो मेजर शेयर होल्डर था आदिल उसने प्रपोज किया एक सोल्यूशन उसने ये प्रपोज किया अकिल को कि एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें कंपनी के साथ चलाक लिमिटेड के साथ इन विच इट विल बी क्लियरली इंडिकेटेड दैट अकिल विल बी इंडेमनीफाइड अगेंस्ट ऑल सॉट ऑफ लाइबिलिटीज इफ़ एनी ऑन ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू द माइनॉटी शेयर होल्डर ऑफ़ सी तो उसको इंडेमनीफाई कर दिया जाएगा अभी हमने रूल पढ़ा कि इस तरह की कोई भी इंडेमनीफिकेशन जो है वो वॉइड होगी कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया 28 मार्च 2020 को बिटवीन सीएल एंड आकिल क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है तो ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो तो वॉइड होगा क्योंकि अभी हमने ये पढ़ा कि कोई भी ऐसी प्रोविजन जिसका मकसद किसी ऑफिसर या डायरेक्टर या चीफ एग्जैक्टिव ये सब इसमें शामिल हैं उनको उनकी या तो वो एग्जाम करती हो या उनकी इंडेमनीफिकेशन हो फॉर एनी लाइबिलिटी जो अब ये देखें यहाँ पे क्लियरली लॉ की ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे हैं तो लॉ की खिलाफ वर्जी करने की वजह से जो पेनल्टी लगेगी कंपनी कह रही है कि उसको इंडेमनीफाई करेगी तो ऐसे इंडेमनीटी का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लॉ में प्रोहिबिटेड है और वॉइड होगा तो ये तो हो गया जी मेन पॉइंट के इस तरह का एग्रीमेंट नहीं किया जा सकता कर भी लेंगे तो वो उसका जो स्टेटस है वो वॉइड है अब इसकी एक्सेप्शन देखते हैं अब एक्सेप्शन का रूल ये है कि कंपनी इज नॉट प्रोहिबिटेड फ्रॉम नेमनीफाइंग एनी ऑफ इट्स डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव और ऑफिसर अगेंस्ट एनी लाइबिलिटी इनक्रड बाई एनी ऑफ दम इन डिफेंडिंग एनी प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम इन विच जजमेंट इज गिवन बाय द कोर्ट इन हिज फेवर और इन विच एनी ऑफ देम इज एक्विटेड एक्विटेड का मतलब होता है बरी हो जाना यानी कोर्ट कहती है कि ये पर्सन इनोसेंट है तो इसका कोई कसूर नहीं है तो क्रिमिनल केस में एक्विट किया जाता है यानी अगर जुर्म साबित हो जाए तो गिल्टी और अगर ये साबित हो जाए कि ये शख्स इनोसेंट है इसने जुर्म नहीं किया तो एक्विटेड इर रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट वेदर द प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट एनी ऑफ देम वर इन रिस्पेक्ट ऑफ सिविल और क्रिमिनल नेचर तो इसको अगर हम समप करें तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट इंडेमिफिकेशन का किया जा सकता है डायरेक्टर चीफ एग्जीक ऑफिसर के साथ जिसमें वो कोई प्रोसीडिंग डिफेंड करें और कोर्ट उनकी फेवर में डिसीजन दे या वो एक्विट हो जाएं यानी मासूम साबित हो जाएं गिल्टी ना चाहे हो चाहे वो प्रोसीडिंग सिविल हो चाहे वो प्रोसीडिंग क्रिमिनल हो इससे फर्क नहीं पड़ता इसकी एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं असद फाइल्ड क्रिमिनल केस अगेंस्ट बिलाल तो बिलाल पर केस हुआ हु इज वर्किंग इन द कैपेसिटी ऑफ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सी तो सी के तौर पर काम करते हुए ही इज एन ऑफिसर ऑफ अ कंपनी ऑफ शाइनिंग स्टार लिमिटेड एस एस एल ऑन द प्रीमियज दैट बिलाल हैज मिस एप्रोप्रिएटेड एस एस एल फंड रुपीज टेन मिलियन तकरीबन दस मिलियन के फंड मिस एप्रोप्रिएट करने का इल्जाम लगा बिलाल अपॉइंटेड मैसर दयानत दार एंड को लीगल एडवाइजर एंड प्रोवाइडेड ऑल द एविडेंस विद रिस्पेक्ट टू ऑल द एलिगेशन रेज बाई असद इन द सेट क्रिमिनल केस एंड पेड रुपीज फाइव हंड्रेड थाउजेंड ऑन अकाउंट ऑफ लीगल फीस तो एक्सपेंस भी लगा डिफेंस करने में बेस्ड ऑन द डॉकूमेंट्री एविडेंस प्रोवाइड बाई बिल दर्ट इक्विटेड यानी डिक्लेयर कर दिया कि बिलाल इनोसेंट है बिलल रिक्वेस्टेड एस एस एल मैनेजमेंट टू इंडेमनीफाई हिम रुपीज फाइव लैक पेड बाई हिम टू द लॉयर कि जी जो कॉस्ट लगी है डिफेंस करने में तो वो मुझे इंडेमनीफाई कर दें एंड प्रोवाइड द लीगल एडवाइजर इनवाइस अलॉन्ग विद अदर नेरी डॉक्यूमेंट क्या क्वेश्चन अब क्या है कि कैन एस एस एल इंडेमनीफाई बिलल इन अब सिचुएशन तो ये देखें तो ये एक्सेप्शन वाले सारे रूल अप्लाई हो रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इंडेम्निफिकेशन का है विद ऑफिसर ऑफ कंपनी है प्रोसीडिंग को डिफेंड करने के लिए लगा है कोर्ट का डिसीजन उसकी फेवर में आया जिसको उसको एक्विट किया गया तो क्रिमिनल नेचर का केस था तो सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही हैं तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है तो आंसर इज दैट शाइनिंग स्टार लिमिटेड मे इंडेमनिफाई बिला जी हमारी आज की वीडियो का ये लास्ट पॉइंट है कि जी प्रोटेक्शन टू इंडिपेंडेंट एंड नॉन एग्जैक्टिव डायरेक्टर्स अब इसमें पहले तो ये समझना चाहिए कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स क्या होते हैं और नॉन एग्जैक्टिव डायरेक्टर्स क्या होते हैं और फिर इसको समझने के लिए एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स को भी समझना पड़ेगा सो so, सबसे पहले मैं आपको एक्जैक्टिव डायरेक्टर्स का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ ऐसा शख्स जो रूटीन मैनेजमेंट के अंदर इन्वॉल्व होता है कंपनी की एज अ डायरेक्टर उसको एक्जैक्टिव डायरेक्टर कहा जाता है तो अगर एक पर्सन जो है वो फुल टाइम होल टाइम एम्प्लॉय भी है कंपनी का तो वो एग्जैक्टिव डायरेक्टर होगा या होल टाइम एम्प्लॉय नहीं भी है तो वो रूटीन मैटर्स मैनेजमेंट के भी देखता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हिस्सा भी है और मैनेजमेंट के अंदर वो रूटीन के अंदर भी इन्वॉल्व होता है कंपनी की तो वो एग्जैक्टिव डायरेक्टर समझा जाएगा जो मैनेजमेंट टीम का पार्ट होगा अच्छा अब इसमें नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन एग्जैक्टिव डायरेक्टर का मतलब क्या है नॉन एक्जेक्टिव डायरेक्टर मींस अ पर्सन ऑन द बोर्ड ऑफ द कंपनी हु इज नॉट फ्रॉम अमंग द एग्जेक्टिव मैनेजमेंट टीम यानी जो रूटीन में मैनेजमेंट कर रहे होते हैं उसमें नहीं है मे और मे नॉट भी इंडिपेंडेंट अच्छा यानी एक नॉन एक्जेक्टिव डायरेक्टर इनडिपेंडेंट भी हो सकता है और डिपेंडेंट भी हो सकता है नंबर टू इज एक्सपेक्टेड टू लैंड एन आउटसाइड व्यू पॉइंट टू द बोर्ड ऑफ द कंपनी अब नॉन एग्जैक्टिव डायरेक्टर का फायदा ये होता है कि क्योंकि वो रूटीन मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं होता तो वो क्रिटिसाइज़ कर सकता है वो जो कंपनी के अंदर लोग इन्वॉल्व होते हैं उनसे एक डिफरेंट बाहर का पॉइंट ऑफ व्यू जो है उनके सामने ला के रख सकता है डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं तो उससे एक अच्छी डिसीजन मेकिंग एक्सपेक्ट की जाती है नंबर थ्री

एक इस तरह का उसकी इतनी शेयर होल्डिंग नहीं है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू स्पाउस एंड चिल्ड्रन वगैरह कि वो कंपनी को बेनिफिशियली ओन करता है लाइक like एक शख्स के खुद टेन परसेंट शेयर्स हैं और एटी परसेंट शेयर्स जो हैं वो स्पाउस के नाम पर हैं तो नाइन्टी परसेंट शेयर तो उसके अपने ही हो गए तकरीबन तो बेनिफिट तो उसे ही मिल रहा है पूरी कंपनी का तो अगर इतना ज़्यादा उसकी इन्वॉलमेंट है कंपनी के अंदर या उसकी एसोसिएटेड कंपनी के अंदर तो फिर भी उसको नॉन एग्जेक्टिव नहीं समझा जाएगा ड नॉट ड्रॉ एनी रिमरेशन फ्रॉम द कंपनी एक्सेप्ट द मीटिंग फीस जो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग uh, अटेंड करता है उसकी जो फीस लेता है उसके अलावा कोई फीस वो नहीं लेता तो अब एक हिसाब से हम डायरेक्टर्स की कुछ टाइप डिफाइन कर सकते हैं तो एक टाइप तो हो गई जी एग्जैक्टिव और दूसरी हो गई नॉन एग्जैक्टिव नॉन टिव में एक आ गया जी इंडिपेंडेंट क्योंकि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है वो एग्जेक्टिव में से नहीं हो सकता वो नॉन एक्जेक्टिव में ही हो सकता है और एक आ गया इंडिपेंडेंट के अलावा जिन्हें आप डिपेंडेंट भी कह सकते हैं या अदर नॉन एक्जेक्टिव डायरेक्टर कह सकते हैं तो बेसिकली एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स अदर नॉन एक्जेक्टिव और इंडिपेंडेंट नॉन एक्जिव डायरेक्टर तो यहां पर हमने नॉन एक्जेक्टिव डायरेक्टर की डेफिनेशन देखी जो भी डायरेक्टर इस डेफिनेशन में फॉल नहीं कर रहा वो फिर एग्जैक्टिव डायरेक्टर होगा तो एक लिहाज से हमारी ये दो डेफिनेशन कवर हो गई अब हमने इनडिपेंडेंट डायरेक्टर को अंडरस्टैंड करना है एन इनडिपेंडेंट डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर हु इज नॉट कंसर्न और डज नॉट हैव एनी अदर रिलेशनशिप वेदर पिक्यूनरी पिक्यूनरी मीन्स फाइनेंशियल और अदरवाइज विद द कंपनी इट्स एसोसिएटेड कंपनीज सब्सिडरीज होल्डिंग कंपनी और डायरेक्टर्स एंड ही कैन बी रीजनेबली परसिव्ड एज बींग एबल टू एक्सरसाइज इनडिपेंडेंट बिजनेस जजमेंट विदाउट बींगनी फॉर्म ऑफ कंफ्लिक ऑफ इंटरेस्ट यानी एक ऐसा शख्स जिसका ना कोई डायरेक्टर से रिश्तेदारी है ना वो कंपनी का इंप्लाई है ना वो कंपनी से कोई रोमेशन लेता है ना कंपनी के साथ कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करता है ना वो कंपनी के अंदर किसी तरीके से इन्वॉल्व रहा है ना वो उसकी किसी एसोसिएटेड कंपनी सब्सिडरी होल्डिंग या डायरेक्टर्स के साथ पार्टनरशिप वगैरह किसी तरीके से इन्वॉल्व नहीं है तो ऐसे शख्स को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कहा जाता है अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का फायदा ये होता है क्योंकि उसका कोई ताल्लुक नहीं होता तो वो खुल के पॉलिसीज के ऊपर क्रिटिसाइज कर सकता है अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता है और बातचीत कर सकता है और खुलकर पॉइंट ऑफ व्यू देने से बोर्ड के अंदर जो है एक अकाउंटेबिलिटी आती है और कंपनी अच्छी डिसीजन मेकिंग की तरफ मूव करती है सो इन एसेंस एन एक्जैक्टिव डायरेक्टर कैन नेवर बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इसलिए हमने देखा कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो नॉन एग्जेक्टिव में से ही होता है कि वो इंडिपेंडेंट भी हो सकता है और अदरवाइज भी हो सकता है तो ये तो हमने डेफिनेशन पढ़ ली लेकिन जो लॉ का पॉइंट असल में हमने पढ़ना है वो है अब ये वाला कि प्रोटेक्शन क्या है एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और अ नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर शेल बी हेल्ड लाइबल ऑनली इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एक्ट ऑफ अमीशन और कमीशन बाई अ लिस्टेड कंपनी और अ पब्लिक सेक्टर कंपनी पब्लिक सेक्टर कंपनी वो होती है जिसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है और लिस्टेड कंपनी की हम डेफिनेशन पहले पढ़ चुके हैं विच हैड अकर्ड विद हिज नॉलेज ए थ्रू बोर्ड प्रोसेस एंड विद हिज कंसेंट और कनाइवेंस और वेयर ही हैड नॉट एक्टेड डिलीजेंटली तो जिस तरह से अभी हमने इनकी डेफिनेशन में डिस्कस किया कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी नॉन एग्जेक्टिव होते हैं और नॉन एक्जेक्टिव डायरेक्टर्स जो हैं वो मीटिंग्स के अलावा मैनेजमेंट में दूसरी तरीके से हिस्सा नहीं ले रहे होते तो लॉ ने उनको एक ये प्रोटेक्शन दी है कि वो लाइबल भी सिर्फ उन चीज़ों के लिए होंगे जो उनकी नॉलेज की साथ हुई हैं उनकी कॉन्सेंट की साथ हुई हैं जहाँ पर उन्होंने केयरफुली काम नहीं किया जहाँ पर उन्हें बोर्ड प्रोसेस के थ्रू इन्फॉर्मेशन थी तो जब उनकी नेचर ही ऐसी है जॉब की जिसके अंदर वो रूटीन मैनेजमेंट के अंदर इन्वॉल्व नहीं है तो अगर कोई प्रॉब्लम रूटीन मैनेजमेंट की वजह से राइज होता है तो ऐसे डायरेक्टर्स की लाइबिलिटी नहीं होगी लॉ ये प्रोटेक्शन दे रहा है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को और नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर को क्योंकि उनकी नेचर ऑफ जॉब ऐसी है कि वो रूटीन मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं है तो रूटीन मैनेजमेंट में होने वाले प्रॉब्लम्स के लिए उनकी लाइबिलिटी भी नहीं होगी ये लॉ उनको प्रोटेक्शन दे रहा है तो ये हमारा पॉइंट था कि जी प्रोटेक्शन है इंडिपेंडेंट और नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर को जिसके लिए हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन भी देखी और फिर नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर की डेफिनेशन भी देखी सो दैट्स ऑल फॉर टूडे हैव अ गुड डे